रीवा जनपद में अब शुरू हुआ सदस्यों को हाईजैक करने का खेल। अध्यक्ष पति ने होटल में बुलाकर कहा सबका रखेंगे ख्याल। बता दें पैसे के आवंटन को लेकर जनपद पंचायत का गरमाया हुआ है मुद्दा। जनपद सदस्य एक बार फिर पहुंचे कलेक्ट्रेट कार्यालय की कार्रवाई की मांग। आपको बता दें कि आज कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे जनपद सदस्यों ने कलेक्टर को अपने मामले के संबंध में एक बार फिर से अवगत कराते हुए 3 बजे जिला पंचायत में सदस्यों की बैठक बुलाई गई है। कलेक्ट्रेट कार्यालय में पहुंचे 15 जनपद सदस्यों का आरोप है कि कमीशन लेकर जनपद में राशि का वितरण किया जा रहा है। हाल ही में हुई जनपद में बैठक के दौरान लगे आरोप के बाद अब अध्यक्ष पति जनता सदस्यों को होटल में बुलाकर मान मनौवल कर रहे हैं। सदस्यों ने बताया कि रीवा के विंध्या रिट्रीट होटल में जनपद सदस्यों को बुलाया गया था, जिसमें जनपद सदस्य के कई पति पहुंचे भी। इस दौरान जनपद अध्यक्ष के पति राजेश यादव द्वारा सभी को ये कहा गया कि अब राशि का वितरण सबके साथ होगा। सदस्यों का आरोप है कि जनपद कार्यालय का पूरा लेन देन अध्यक्ष पति के द्वारा अब तक किया जा रहा है। बीते कई दिनों से उठे जनपद कार्यालय के मुद्दे को शांत कराने के लिए कलेक्ट्रेट कार्यालय में 3 बजे बैठक बुलाई गई है। हम लोगों को राजेश यादव जी द्वारा फोन किया गया था कि आप आइए और हम लोग मिलके थोड़ा दरबार करेंगे और भोजन पानी की व्यवस्था है तो भोजन पानी करेंगे। सब कोई अपन लोग इकट्ठा हुए तो वहाँ पे ये चर्चाएं हुई कि भाई जो कुछ हुआ तो होने दीजिए, अब जो कुछ होगा तो सबको बराबर अधिकार और सम्मान दिया जाएगा, सबका हिस्सा सबके सहमति से काम होगा। में पैसा आया जनपद कार्यालय में बजट का आवंटन, वो 2-3 सदस्य ही मिल करके बंडर बांट कर दिए। कहाँ किए, कितना किए, ये मुझे नहीं पता है। अध्यक्ष महोदय के पति जी ने काल रतहरा में किसी रिसार्ट में सब अध्यक्ष पति मतलब जितने मेंबर उनके पतियों को बुला करके होटल में खाना पीना जो कुछ करवा करके सबको हाईजैक करने का प्रयास किया गया, तो प्रलोभन दिया गया कि आप लोग हमारे साथ रहिए, हम तुम लोगों को पैसा देंगे, रुपया देंगे, जो कुछ हो हिस्सा बराबर देंगे। वार्ड क्रमांक 4 से हूँ और अध्यक्ष के पति ने राजेश यादव का फ़ोन आया था मेरे मोबाइल पे और हमें बुला रहे थे कि आप आइएगा होटल में तो वहाँ खाना खिलाएंगे और कुछ चर्चाएं होंगी उसमें। तो हमने बोला था कि अगर चर्चा करनी है तो यहाँ जनपद में कर लिया जाएगा, तो कहीं नहीं वहाँ नहीं, यहाँ आपको आना है, तो मैं वहाँ नहीं पहुँच पाई, मेरे को जाना ही नहीं था। तो जनपद में जब मीटिंग हुई थी 31 तारीख को तो सीओ साहब बोले थे अध्यक्ष के जो संगीता यादव अध्यक्ष हैं वो तो जवाब नहीं दे रहे थे, लेकिन वो सीओ साहब बोल रहे थे कि जिसे मतलब हम लोग लिखवा रहे थे उसका कि वो अपना बयान नोट निकलने नहीं, हाँ अपना वो प्रस्ताव लिखवा रही थी कि जो हम लोग चाहें तो उसे लिखिए फिर हम साइन करेंगे, तो बोल रहे थे कि नहीं साइन कोरे पन्ने में करा रहे थे कि इसमें साइन करिए फिर हम लिख लेंगे, तो हम लोग नहीं किए साइन। तो बोले कि अगर आपको साइन नहीं करना है तो आप लोग बाहर जा सकते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उषा कोल है। कौन से वार्ड से? वार्ड क्रमांक 4 से हूँ। महानगरों के जैसे अब आपके रीवा शहर में भी कैंसर का ऑपरेशन एवं कीमोथेरेपी का आयुष्मान में निःशुल्क इलाज सिर्फ और सिर्फ नेशनल हॉस्पिटल रीवा। पता है समान तिराहा न्यू बस स्टैंड रीवा। मोबाइल नंबर 8349240699। महानगरों के जैसे अब आपके रीवा शहर में भी आयुष्मान से निःशुल्क इलाज। गॉलब्लैडर पित्त की थैली की पथरी एवं किडनी की पथरी का आयुष्मान से निःशुल्क इलाज केवल नेशनल हॉस्पिटल में। पता याद रखें समान तिराहा न्यू बस स्टैंड रीवा। मोबाइल नंबर 8349240699।